जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग में। तो आज है नवरात्र का पहला दिन, 15 अक्टूबर। तो आज मैंने व्रत रखा हुआ, फर्स्ट और लास्ट व्रत रखूँगा, ठीक है। तो अभी अपन जा रहे हैं सुमित भाई साथ में स्कूटी एरी तो जा रहा है, कुछ सामान लेने, दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं, आगे का बताता हूँ, ठीक है। आज हम आए करोल बाग होल सेलर की दुकान पर जहाँ जिम के सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं। ये 5 kg का डंबल है, बड़ा हैवी लग रहा भाई। और ये है 40 kg का, देख सारा सामान है, डंबल ही डंबल है। अरे हमारे रॉड, ये तो लेग वाली हो गई, ये शोल्डर की हो गई, बाइसेप्स की हो गई। देख रहे हो, ये है भाई 5 kg की प्लेट, बाउंसर कंपनी कैसा है। तो भाई वहाँ से निकल लिए हम सामान लेके, हमने वायर वगैरह लिया। ये देखो, ये बीजेपी का नया खुला है, भारतीय जनता पार्टी का नया ऑफिस खोला है भाई, बड़ा तगड़ा ही ऑफिस खोला। और एक ऑफिस इनका इस साइड में, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको कहाँ गया, एक एरिया, ये एक बीजेपी का बिल्डिंग मेन है जो हेडक्वार्टर, जहाँ अभी तक चल रहा था मामला। देख रहे हो क्या भयंकर बना रखा है भाई, ऐसा ऐसा सिस्टम है। और इसी रोड पर राहुल जी वेन्यू कोर्ट वगैरह भी है, और मतलब मैक्सिमम पार्टियों के कार्यालय हैं यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर पे है ना। ये दो जा रहे गंदे लड़के, देख सकते हो आप, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, राहुल जी वेन्यू यही है। और सीधा चलो, सीधा ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय, देख लो भाई, ये वाला ही वाला। क्या शानदार है, क्या भाई क्या शानदार बनवा रहा है। अच्छा ये अनुव्रत भवन कुछ तो नहीं, ये कमला देवी भवन है, कमला देवी रहती होंगी शायद। भाई जब क्राउड देख रहे हैं इतना सारे, आज मैच है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, देख रहे हो, ये सब वहीं के लिए, स्टेडियम के बगल में हम लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सारा सिस्टम वहीं का है, देख सकते हो आप। तो भाई हम आ चुके स्टेडियम के साइड में, ये स्टेडियम आप देख सकते हैं। अरे छोरों ने इससे क्या बात करना, ये रे एंट्री पॉइंट भाई, देख लो आप, टिकट लेके आओ, एंट्री लो और पूछ जाओ। तो ये सीन है भाई, हमें तो पता, कोशिश करते हैं, पता ही नहीं था। दिख रहा हूँ सबकी ड्यूटी कहीं लगी हुई है, आज पूरे दिल्ली में नहीं दिख रहे, यहाँ दिख रहे हैं, ये भी पूरी पुलिस फोर्स। ये अफगानिस्तान का देखो, अफगानिस्तान का है, देख रहा भाई। ये शहीदी पार्क का देखना कितना अच्छा बना रखा है, दिल्ली चेंज तो हो रही है, ये पार्किंग बना दिया इनके लिए स्पॉट में, सही है वैसे। तो भाई ये जाम हाईवे पे लगा रखा है जो कि मैटर सही नहीं है, हाईवे पे क्या रहा है, हाईवे तो ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सीन है भाई, लोग देख रहे हैं, देख क्या रहे हो क्या हमारे भाई, फुल उंगली करते हुए। भाई कितना ही बजा रहे, सारे के सारे हुए हैं, ऐसा नहीं है सामने वाली रांड फटती है। वो तो है। तो भाई अपन ऐसी थोड़ा सा निकले भाई के साथ, देखो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आज मन किया तुम्हारे ब्लॉग बना लो तो बना रहा हूँ बस, जाम से तो परेशान है। मेट्रो देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, दिखाता हूँ, देखो कोई जाम नहीं है, पुलिस वालों के 100 रुपये कमाने का तरीका है बस, देख रहे मेट्रो जा रही है।
अब भाई ये देखो, तीन जने स्कूटी पे बिना हेलमेट वगैरह का, ठीक है, और आगे बैरिकेड है, बैरिकेड के चक्कर में जाम लगा रखा, सही बात है। अगर पुलिस काम कर रही है और सही से काम कर रही है तो इन तीनों को पकड़ लेगी, रोक लेगी स्कूटी, नहीं तो ये समझ लेना लोगों को परेशान करने के लिए लगा रखा है। अब लड़के यहाँ पे एक दो लड़के उतर गए, नहीं सारे बैठे हुए हैं और सारे निकल रहे, देख लो भाई, ठीक है। तो ऐसा सीन है, अगर रोक लिया तो जय बाबा की, काम कर रहे, नहीं रोका तो बस ये ऐसी है, लोगों को परेशान करो, हम जैसों को जो ड्यूटी से या काम से या कहीं से आ रहे हैं उनको परेशान करो, जिनको जल्दी जाना, ये सब मजे में अपना निकल जाएंगे। तो क्या फ़ायदा बैरिकेड लगाने के, फिर मत ही लगाओ भाई, जब ऐसी आज़ादी देनी है तो। अब मेरे आगे ही है, देख लो भाई, उतर गया भाई एक, देखो हेलमेट निकल रहा, गाड़ी नंबर बताता हूँ, रुको, गाड़ी नंबर है DL2SP3077। ये मेन हाईवे की बात है भाई, अपने अक्षरधाम वाले हाईवे की। देखो आ गया पुलिस वाला, आ गया पुलिस वाला आ गया, हाँ रोक लिया पुलिस वाले ने, रोक लिया। चलो काम तो कर रही है भाई, थोड़ा बहुत कुछ नहीं कर रही सर, 200 रुपए के लिए रोका, अभी 200 रुपए, 200 के लिए रोके या 100 के लिए रोके, रोक तो दिया भाई। तो भाई यहाँ रोक लिया, अब ये देखो इसको, इधर और भी जमा है क्या? ना भाई आज तो रोका हुआ है, आज तो पाची पपाची सब रोक लिए, आज तो घरवाली रो सोने की चंद, आज तो पूजा पूरा पैसा है वसूल, ऐसा सीन है भाई। तो हम आपके सेवा में हाजिर रहे, ये रोड का जाम देख लो, ये था रोड का जाम, ये खाली है पूरा, बैरिकेड का था, क्या बनावा है साड़े। आज रे क्या ही बोलूं मैं, तो भाई आपकी सुविधा में हमेशा आपके लिए है। मेरे भाई जो भी इसका ब्लॉग देखता है और ऐसे कभी जाम में फंसे, और सब पे मेरे भाइयों पे गाड़ी है, जितना हो सके सगरे मिलके हॉर्न बजाओ, ताकि इन्हें पता चले कि पब्लिक परेशान हो रही है तो वो परेशान कर सकती है। सही बात है, जहाँ हॉर्न बजना चालू हो वहीं अपने आप ही परेशान हो जाएंगे सारे, तो ये सीन है भाई। तो अपने ब्लॉग में मुझसे गलत गलत रहा है, चाय पाय कराए हो गई पी ली भाई हमने, भाई ने पिला दी चाय, दिन भर चाय पे चर्चा ही हो रही थी, कितना होता खर्चा, खर्चा हुआ 30 रुपए। बाकी ये मार्केट है, देख लो जिस जिस भाई को देखना है मुंह में पानी लाओ और घर जाओ, देख रहे हो जस्ट कॉफी लिखा हुआ, जस्ट कॉफी के 99 रुपए होंगे, ये मुंह पे पानी लाने वाली जगह है भाई, जो भाई ब्लॉग देख रहे हैं वो अपने मुंह में पानी ला सकते हैं। ये फेस ऑन के मार्केट में घूम रहे हम, यहाँ पे नॉन वेज और वेज जितने आइटम से मौजूद हर चीज भरे पड़े, ठूस लो भाई, ऐसे नहीं बोलते ठूस लो, ऐसे बोलते हैं आओ और हमारे लिए भी मंगाओ, हमारे लिए तो मंगवाई एड्रेस वेड्रेस सब भेज दूंगा भाई, ना जरूरत नहीं, आज फोन कर ले, आज खा लेंगे यार, कम हम पड़ गया कोई चीज तो फिर बार बार तो ना कॉल करेंगे, अच्छा तो लगता है सब्सक्राइबर तो ऐसा काम कराए भाई, इनवाइटेड कर सकते हो एनी टाइम, कोई दिक्कत वाली कभी भी इनवाइट करो, कहीं के लिए भी, बाकी आपकी मर्जी है, आप आउट ऑफ दिल्ली से भी हो तो फ्लाइट की टिकट भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एडवेंचरस हो तो गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा दे देना, बिल्कुल साथ घूमेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, गाड़ी अपनी, खर्चा आपका। ऐसा सीन है भाई, मार्केट में घूम रहे मैं सपने। ये देखो भाई पांडा, इस चेहरे के पीछे कितने गम और किस रूप में इसको काम करना पड़ रहा है वो यही समझ सकता है भाई, सबको खुश रखने वाला खुद अंदर से कैसा है वही जानता है बस रियलिटी। ऐसे भटक रहे आज, चलो पांडा के करीब, पांडा मिस्टर पांडा, ये खुशी रखने वाला खुद कितना दुखी है भगवान जाने है भाई, चले आज हम जा रहे हैं मार्केट 99 में, है ना, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता।